Success Engineering Official. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सर, प्लम्बिंग डिज़ाइन। तो प्लम्बिंग डिज़ाइन में आप फर्स्ट टॉपिक है वाटर टैंक साइजिंग। तो हम लोग वाटर टैंक साइज को कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक अंडरग्राउंड वाटर टैंक साइज, देन डोमेस्टिक ओवरहेड टैंक साइजिंग, देन फ्लश वाटर टैंक साइजिंग, देन फ्लश वाटर ओवरहेड टैंक साइजिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक एक्सेल प्रोग्राम है, एक्सेल सीट है फ्रॉम एनबीसी फॉर प्रोजेक्ट 5 स्टोरेज कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग बहरेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है 5 स्टोरेज बिल्डिंग का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कवर पेज है, प्रोजेक्ट प्रपोज 5 स्टोरेज बिल्डिंग किंगडम ऑफ बहरेन एंड मोहम्मद अल गरीब आर्किटेक्ट इंजीनियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट फाइव स्टोरेज बिल्डिंग किंगडम ऑफ बहरेन। देन साइट लोकेशन प्लान आप देख सकते हैं, ये साइट लोकेशन प्लान है। देन नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एरिया कैलकुलेशन के लिए है। देन आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, आप यहाँ से देख सकते हैं प्रोजेक्ट 5 स्टोरेज बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर। देन ये फर्स्ट फ्लोर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में टॉयलेट है यहाँ पे। तो हम टैंक साइजिंग कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेकंड फ्लोर प्लान है, सेकंड फ्लोर प्लान पे भी टॉयलेट्स है एंड ऑफिस है। तो हम सेकंड फ्लोर प्लान के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड फ्लोर पे भी टॉयलेट्स है सेम टिपिकल। देन फोर्थ फ्लोर प्लान, तो फोर्थ फ्लोर पे आप देख सकते हैं यहाँ दिस इज द ऑफिस। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट्स है सेम टिपिकल है। देन आप यहाँ पे जाएंगे तो देख सकते हैं फिफ्थ फ्लोर प्लान है, फिफ्थ फ्लोर प्लान पे आप देख सकते हैं टॉयलेट्स और नहीं है। तो फिफ्थ फ्लोर प्लान के लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट आपका है रूफ डेक प्लान। देन दिस इज द एलिवेशन प्लान, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 स्टोरेज बिल्डिंग एलिवेशन ए। तो आप देख सकते हैं ये एलिवेशन दिया हुआ है, बिल्डिंग का एलिवेशन है। ये ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं यहाँ, देन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, देन रूफ, देन लिफ्ट स्लैब। तो चलिए इसका टैंक साइजिंग हमें निकालना है, अंडर डोमेस्टिक वाटर टैंक साइजिंग। देन देख सकते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक वाटर टैंक साइजिंग, देन डोमेस्टिक ओवरहेड वाटर टैंक साइज, देन फ्लश वाटर टैंक साइजिंग, देन फ्लश वाटर ओवरहेड टैंक साइजिंग। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली क्वांटिटी और एरिया को डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं,
डिलीट करने के बाद आपको चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर में, यहाँ पे ड्राइंग में जाएंगे। देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर में आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, ये लॉबी दिया हुआ है। लॉबी के बाद ये कार पार्किंग है, तो इसमें टॉयलेट्स नहीं दिया हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं। देन हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। आप फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है, तो फर्स्ट फ्लोर में आप देख सकते हैं ऑफिस वन, ऑफिस टू, देन लॉबी, ऑफिस थ्री, ऑफिस फोर, ऑफिस फाइव, देन ऑफिस सिक्स। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये एक्सेल में आपको बिल्डिंग टाइप और यूनिट नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। फर्स्ट फ्लोर ऑफिस वन, देन टू, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पूरे नेमिंग डाल दिया है, थ्री फोर फाइव, फर्स्ट फ्लोर ऑफिस सिक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर ऑफिस सिक्स। तो मैंने पूरा यहाँ पे नोट कर लिया ऑलरेडी। देन सेकंड फ्लोर इज द ऑल्सो टिपिकल, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर देन सेकंड फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर है आपका, देख सकते हैं यहाँ इधर सेकंड फ्लोर फाइव स्टोरेज बिल्डिंग किंगडम ऑफ बहरेन। देन ये भी टिपिकल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस वन टू, देन ऑफिस थ्री फोर, ऑफिस फाइव, ऑफिस सिक्स, सेम टॉयलेट इज टिपिकल। देन तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेकंड फ्लोर का भी यहाँ पे टैगिंग कर लिया है, यहाँ बिल्डिंग टाइप नेम अप टू सिक्स। देन थर्ड फ्लोर ऑल्सो सेम है, सो थर्ड फ्लोर ऑफिस वन टू, देन थ्री, ऑफिस थ्री, ऑफिस फोर, ऑफिस फाइव, ऑफिस सिक्स। देन फोर्थ फ्लोर भी आपका टिपिकल है, तो फोर्थ फ्लोर आप निकालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थर्ड फ्लोर है, तो थर्ड फ्लोर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस वन, ऑफिस टू, ऑफिस थ्री, देन ऑफिस फोर, ऑफिस फाइव, ऑफिस सिक्स। देन आप यहाँ पे आ जाएंगे फोर्थ फ्लोर पे, तो फोर्थ फ्लोर में भी आप देख सकते हैं ऑफिस वन टू, इन ऑफिस थ्री, ऑफिस फोर, ऑफिस फाइव, ऑफिस सिक्स। तो सबको यहाँ पे और यहाँ पे नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, क्वांटिटी यहाँ पे डाल देना है, पूरे ऑफिस का क्वांटिटी वन है। पूरे रो में वन डाल देना है क्वांटिटीज। देन आपका एरिया, यहाँ पे एरिया इन स्क्वायर मीटर आपको डालना है, तो आप देख सकते हैं ऑफिस वन के लिए 50 स्क्वायर मीटर, आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा टिपिकल है, तो ऑफिस वन आपका देख सकते हैं यहाँ पे 50 स्क्वायर मीटर यहाँ पे सबका दिया हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे 50 स्क्वायर मीटर, देन ऑफिस टू 41.8, तो हम 42 कंसिडर कर लेते हैं, 42 इस सबको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, बाद में मैं उंगले पे सेट करके मैं आपको दिखा दूँगा, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद सबसे पहले एरिया पुट कर देते हैं यहाँ पे ऑफिस थ्री के लिए 67.6, तो हम 68 ले लेते हैं, 68। देन ऑफिस फोर अगेन 67.6, तो 68 ले लेते हैं। देन फर्स्ट फ्लोर ऑफिस फाइव 68.5, तो 69 ले लेते हैं यहाँ पे, ये 68 ही ले लेते हैं। फिर फर्स्ट फ्लोर ऑफिस सिक्स
72 यहाँ पे टाइप करते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे बिकॉज ऑल द ऑफिस आर टिपिकल। तो यहाँ पे सिंपली पेस्ट स्पेशल देन वैल्यू देन ओके कर देंगे। देन यहाँ से कॉपी करेंगे अगेन, थर्ड फ्लोर में पेस्ट करेंगे, देन फोर्थ फ्लोर में कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एरिया ऑलरेडी पुट कर लिया है। तो अभी विजिटर के लिए 10% ले लेते हैं यहाँ पे, 10% अब टोटल एरिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इसके एडिशन शो कर रहा है 1472। फिर इसको आप यहाँ पे सिंपली इसको ऐड करके देखेंगे, यहाँ पे प्रेस करने के बाद ऑटो शम कर लेंगे। ऑटो शम करने के बाद आप देख सकते हैं 1472 इसका टोटल एडिशन है। तो इसका 10% आपको लेना है। तो सिंपली इसको क्या करना है, 1472 का 10%, 147, सो 147 आपका विजिटर के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ एरिया। सो नाउ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट पर यूनिट, सो नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए आपको 10 स्क्वायर मीटर पर पर्सन होता है। कंसिडर करते हैं एज पर NBC नेशनल बिल्डिंग कोड एंड IPC इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए 10 स्क्वायर मीटर पर पर्सन। तो आपको एरिया को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है डिवाइडेड बाई 10। देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली इस फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, इस सेल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ले जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस साइन शो कर रहा है। यहाँ पे सिंपली इसको लेफ्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं पूरे सेल में कॉपी हो चुका है, यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक तो आपको शो कर रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे D9 शेल डिवाइडेड बाई 10। तो ये पूरे शेल में ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अभी आप नेक्स्ट सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक वाटर डिमांड पर कैपिटा लीटर पर पर्सन पर डे पर पर्सन, हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड पर डे पर पर्सन, हाउ मनी लीटर पर डे पर पर्सन इज वाटर रिक्वायर्ड। सो फॉर डोमेस्टिक वाटर डिमांड इज 25 लीटर पर डे पर पर्सन एंड फॉर फ्लश वाटर टैंक एज पर NBC 20 लीटर पर डे पर पर्सन। सो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 25 एंड 20 पूरे सेल में कॉपी कर देना है। देन टोटल डोमेस्टिक वाटर प्लस फ्लश वाटर, आपको क्या करना है सिंपली दोनों को ऐड कर देना है, डोमेस्टिक वाटर प्लस फ्लश वाटर। सो टोटल इज 45। तो आप कैसे करते हैं इसको एक्सेल में, इक्वल टू देन डोमेस्टिक देन प्लस साइन देन फ्लश इंटर। नाउ अभी इसको कॉपी करना है तो सिंपली सेल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिंपली ड्रैग कर देंगे नीचे ले जाके। आप देख सकते हैं पूरे सेल में कॉपी हो चुका है। नेक्स्ट टोटल डोमेस्टिक रिक्वायर्ड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक इनटू नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट इनटू क्वांटिटी। तो टोटल डोमेस्टिक वाटर रिक्वायर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे निकालना है, डोमेस्टिक वाटर पर डे पर पर्सन इनटू नंबर ऑफ पीपल इनटू क्वांटिटी, हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ ऑफिस इज देयर। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है
यहाँ पे इक्वल टू, देन क्वांटिटीज इनटू नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट इनटू डोमेस्टिक वाटर डिमांड पर डे पर पर्सन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अभी इसको सिंपली सेल में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये प्लस साइन पे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो पूरे सेल में कॉपी हो जाएगा। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल फ्लश वाटर रिक्वायर्ड, सो टोटल फ्लश वाटर अगेन सेम फॉर्मूला इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली यह फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, इक्वल टू देन क्वांटिटी इनटू नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट इनटू, अब यहाँ पे फ्लश वाटर डिमांड को मल्टीप्लाई करना है पर डे। तो सिंपली अभी इसको कॉपी कर देते हैं पूरे सेल में, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे सेल में कॉपी हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल वाटर आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वाटर टोटल वाटर रिक्वायर्ड डोमेस्टिक प्लस फ्लश डोमेस्टिक वाटर प्लस फ्लश वाटर लीटर पर डे पर पर्सन। एलपीडी का मतलब होता है लीटर पर डे पर पर्सन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों को ऐड करना है सिंपली। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू देन टोटल डोमेस्टिक रिक्वायर्ड प्लस टोटल फ्लश रिक्वायर्ड, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, देन पूरे शेल में कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, टोटल को सम कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल को मैंने सम कर लिया। इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, इक्वल टू देन सिंपली ऑटो सम कर देना है। ऑटो सम करने के सम कर देते हैं, सम करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है। सिंपली ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ, देन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरे सम हो चुका है। अगेन इसको भी सेम कर देते हैं सम, यहाँ भी फॉर्मूला सम का अप्लाई कर देते हैं। या फिर सिंपली ये सेल में क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है, इंटर कर देना है। सिंपली शेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो सम देन इंटर, आप देख सकते हैं ये ऑटो सम हो चुका है। देन अभी ये नीचे में किलो लीटर पर डे, अब किलो लीटर पर डे वन लीटर वन किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो आपको क्या करना है, ये लीटर में दिया हुआ इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3680 डिवाइडेड बाई 1000, 3.68 किलोलीटर पर डे। तो दिस इज 2.9 किलोलीटर, देन 6.6 किलोलीटर पर डे। अभी देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट आपका है डोमेस्टिक अंडरग्राउंड वाटर टैंक साइजिंग, डोमेस्टिक अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर टैंक साइजिंग हम 1.5 डेज के लिए कंसीडर करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, डोमेस्टिक टोटल डोमेस्टिक आपका यहाँ पे देख सकते हैं 3680 आया है, उसको क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली आपको क्या करना है, देख सकते हैं इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट करने के बाद आपको
equal to, then domestic total domestic required into 1.5 days. So आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक अंडरग्राउंड वाटर टैंक साइजिंग हम 1.5 डेज के लिए कंसीडर करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5520 लीटर्स। तो इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है, एक्चुअली टैंक साइजिंग हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेस्टिक अंडरग्राउंड वाटर टैंक साइज लेंथ विड्थ एंड हाइट, सिंपली आपको क्या करना है इसको 1000 से डिवाइड कर देना है, तो 5.52 लेंथ एंड देन विड्थ एंड हाइट। आपको सिंपली क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करके आपको देख लेना है, सो 5.52 इंटू 5.52 इंटू 5.52 1680 1680। सिंपली इसको लीटर को हम क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। देन आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका है डोमेस्टिक ओवरहेड टैंक साइजिंग। सो ओवरहेड टैंक साइजिंग हम हाफ डेज के लिए कंसीडर करते हैं, डिजाइन करते हैं एज पर एनवीसी। तो आपको क्या करना है यहाँ पे टोटल डोमेस्टिक आपका 3680 है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल डोमेस्टिक वाटर इंटू 0.5 हाफ डेज के लिए कंसीडर करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना लीटर। देन इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड कर देना है। देन नेक्स्ट आपका फ्लश वाटर टैंक वन डे के लिए हम डिज़ाइन करते हैं इस पर NPC एंड IPC इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड। तो आप देख सकते हैं टोटल फ्लश आपका टोटल फ्लश वाटर टैंक वाटर कितना है 2944, तो आपको 2944 यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली इसको डिलीट करके इक्वल टू देन वन डे के लिए हमारा कितना है 2944 इंटर। तो इसका साइज आपको सिंपली 1000 से डिवाइड कर देना है। देन फ्लश वाटर ओवरहेड टैंक साइज हाफ डेज के लिए कंसिडर करते हैं, आपको क्या करना है सिंपली इसको टोटल डिवाइडेड टोटल इनटू 0.5 हाफ डे 1472। देन इसका साइज निकालने के लिए आपको सिंपली 1000 से क्यूबिक मीटर में सो सिंपली 1000 से डिवाइड कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी पूरे टैंक का साइज निकल चुका है ऑलरेडी यहाँ पे डोमेस्टिक अंडरग्राउंड वाटर टैंक साइजिंग, देन डोमेस्टिक ओवरहेड टैंक साइजिंग, देन फ्लश वाटर टैंक साइज, देन फ्लश वाटर ओवरहेड टैंक साइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 स्टोरेज बिल्डिंग के लिए टैंक साइजिंग मैंने कैलकुलेट की है वाटर टैंक साइज एंड फ्लश डोमेस्टिक वाटर टैंक साइज देन फ्लश वाटर टैंक साइज ओवरहेड देन अंडरग्राउंड। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।